अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल यूनिक आइडिया किचन। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूंगी। सो मैंने यहाँ पे लिया है एक पाव चिकन, इसको मैंने धो के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है तीन अंडे, दो अंडों को मैंने एक प्याली में रख लिया है और एक अंडे को मैंने अलहदा से रख लिया है। एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज लिया है, एक कटा हुआ टमाटर, दो हरी मिर्चें, आधी शिमला मिर्च ली है मैंने यहाँ पे, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वन टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वन टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, वन टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, वन टीस्पून हल्दी और हसवे जायका नमक। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप मेरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो कर सकें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं अब अपनी कुकिंग की तरफ। चिकन ऑमलेट बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। घी गरम होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें प्याज और उसे एक मिनट पका लेंगे। प्याज को एक मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसे भी एक मिनट पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और साथ ही ऐड कर देंगे चिकन। सब चीज़ों को अच्छे से एक मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, शिमला मिर्चें, नमक, मिर्च, काली मिर्च और हल्दी। अब हम चिकन को 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारी चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। अब हम मज़ीद इसे पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। चिकन ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है अब एक बाउल और इसमें डालूँगी दो अंडे, थोड़ा सा नमक और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब हम चूल्हे की आंच को मीडियम से लो कर देंगे और इसे 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तीन मिनट कवर करने के बाद अब हम इस पर डालेंगे एक अंडा जिसको हमने अलहदा रखा हुआ था। अब हम मज़ीद इसे 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। दो मिनट मज़ीद कवर करने के बाद चिकन ऑमलेट की एक साइड अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे।
हमने चिकन ऑमलेट की साइड को चेंज कर दिया है। मज़ीद एक मिनट पकाने के बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन ऑमलेट रेडी है।